हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, अभी जो कल का न्यूज़पेपर है उसमें आपको एक न्यूज़ देखने को मिली होगी, दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में। दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में एक खबर देखने को मिली होगी जो HSSC ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एक अफवाह है। सबसे बड़ी अफवाह क्या है फ्रेंड्स, कि दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में छपा है कि जो HSSC के चेयरमैन है भारत भूषण भारती जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जो HSSC ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो लिखित परीक्षा नहीं होगी उसकी। उसके लिए अपने को क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू, स्पेशल इंटरव्यू पे उनको बच्चों को मेरिट लिस्ट पे, जिनके 10th में मेरिट लिस्ट में नंबर है यानी 80% से अबव नंबर है, उनको सेलेक्ट किया जाएगा ग्रुप डी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक अफवाह है। पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तब जाके बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आप अपनी तैयारी से बिल्कुल भी ध्यान ना हटाएं, अपनी तैयारी करें। दैनिक जागरण ने खुद ने अपनी गलती मानी है कि ये गलती से छपा है। तो आप फ्रेंड्स खुद ही सोचिए कि जो फैसला कैबिनेट में हो चुका है कि इंटरव्यू होगा ही नहीं, तो फिर कैबिनेट के फैसले पे भारत भूषण भारती इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस अफवाह पे मत जाइए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक अफवाह है। अपनी तैयारी करिए HSSC ग्रुप डी के एग्जाम की, लगातार जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। आप इस इंटरव्यू वाले चक्कर में मत पड़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद आपका।